स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सिटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टिप्स। मुमरा पुलिस स्टेशन में आज एक FIR दर्ज की गई है। दरअसल FIR जो दर्ज की गई है, मेरे पीछे जो आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये दरअसल एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं और सामान पिकअप करने के लिए गए थे, लेकिन जहां पर पिकअप करना था सामान, जब उन्हें इन्होंने कॉल किया तो सामने वाले ने जब कॉल उठाया तो उसने जो है मुस्लिम समाज पर जो है अभद्र टिप्पणी की, यानी कि अल्लाह ताला के ऊपर जो है उसने अपशब्द का इस्तेमाल किया। वॉइस रिकॉर्डिंग इनके पास थी, उसी के आधार पर ये लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे और FIR जो है दर्ज कराई है। इनसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कौन से कंपनी में काम करते हो, जो कुरियर कंपनी आप बता रहे हो। मेरा नाम राहिल मिर्ज़ा है, मैं वीफास्ट कुरियर सर्विस में काम करता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं साहिल होटल के बैक साइड। क्या हुआ था पूरा मामला? आप बता रहे कि आप पिकअप करने गए थे सामान और आपने कॉल किया तो उसने अपशब्द कहा, इस्लाम के बारे में अपशब्द कहा, क्या पूरा मामला हुआ था, विस्तार से बताइए। असल में मसला ये हुआ, तकरीबन 9:30 बजे मुझे मुमरा से बैंड्रा का एक पार्सल मिला, जो कि मैंने रिसीव किया। मैंने नेविगेशन ऑन किया, नेविगेशन ऑन करने के बाद मैंने फॉलो किया, नेविगेशन फॉलो करते हुए मैं दरगाह गली तक के आया, जो कि दरगाह गली पे नेविगेशन एंड हो गया मैप के थ्रू। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को कॉल किया कंफर्मेशन के लिए, क्या कौन सा बिल्डिंग है क्या है। कस्टमर को कॉल करने के बाद मैंने मतलब जब बोला सर मैं वीफास्ट से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आप कहाँ हो। उसके बाद फिर उसने बोला क्या मतलब, जैसे मैंने पूछा सर मैं आपके लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, मुमरा का ही बंदा हूँ मैं, तो उन्होंने मतलब जैसे कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी, गाली गलौज, मतलब तेरा अल्लाह की कब्र से निकालूंगा फ़ोटो, ये सब। जी मतलब गुस्ताखी? जी, गलत शब्द यूज़ किया उसने। तो पुलिस स्टेशन में अभी आए थे? मैं तो असल में कल रात में फ़ौरन आया था जब ये मैटर हुआ था, उसके बाद मैं फ़ौरन आया था पुलिस स्टेशन, लेकिन मेरे को पुलिस स्टेशन का कुछ माहौल ऐसा सही नहीं लगा, तो इसके लिए मैं रिटर्न चले गया। फिर कल रात जाके घर पे सो गया। फिर अभी मतलब जब सुबह में जोहर के बाद मुझे SDP पार्टी के साथ मतलब मैंने ये ज्वाइन किया, मतलब उनको बताया ऐसा ऐसा मामला, क्या मेरे साथ कल ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मैंने एक कस्टमर को कॉल किया, उसने मेरे को कॉल पे ये सब बोला, मतलब ये गाली गलौज जो भी है अल्लाह की शान में गुस्ताखी, तो इसके मामले में मैंने इनको बताया। अच्छा, आपने FIR दर्ज कराई है, जो FIR है वो 295 है और 298, ठीक, लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं है, अज्ञात व्यक्ति है। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं, ये कहाँ से आपको जो है सामान पिकअप करना था, नाम वगैरह कुछ उसका ऐसा सामने नहीं आया कि आपने जो है इसमें अज्ञात में मामला दर्ज कराया है? असल में होता है ऐसा है, कस्टमर चाहे तो नाम मेंशन कर सकता है, लेकिन वो कस्टमर ने नाम मेंशन नहीं किया। अभी मैं आपको यही वीफास्ट का एप्लीकेशन ओपन करके बता देता हूँ आपको लाइव लोकेशन, अभी आपके जैसे न्यूज़ लाइव चल रही है, ये देखिए यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे अप टू 10 kg लिखा है, ये 155 का ऑर्डर है, यहाँ कस्टमर ने नाम नहीं लिखा है। अगर यही मैं आपको दूसरा ऑर्डर दिखा दूँ, चाहे कस्टमर यहाँ अपना नाम मेंशन भी कर सकता है चाहे तो नहीं भी कर सकता है, ये देखिए ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको कस्टमर का ये दूसरा ऑर्डर, इन्होंने नाम नहीं लिया, ये कस्टमर ने यहाँ पे इन्होंने मतलब नाम मेंशन नहीं किया था। अभी आप देख रहे हैं यही सही कुछ ऐसा लोकेशन तो रहा होगा, कौन से एरिया में है मुमरा? लोकेशन यही था, मतलब क्या मुमरा मुंबई महाराष्ट्र लिखा था, पूरा लोकेशन भी नहीं था। वो लोकेशन साहिल होटल से मैंने ऑन किया, वो खत्म। कॉल नंबर है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो उनसे मेरी बात हुई, जो कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होता है मेरे फ़ोन में। तो पुलिस ने क्या कहा अभी? FIR तो लिया, पुलिस ने क्या बोला किया इसके रिगार्डिंग? अभी वो लोग एक्शन लेंगे, बोले जो भी है प्रोसेस चालू है अभी, FIR जस्ट मतलब कल रात से भागने के बाद अभी एक आधा पौना एक घंटा हुआ है, उन्होंने FIR लिए। आपका क्या नाम? अब्दुल रहमान। अच्छा, आप लोग से इन्होंने संपर्क किया तो आप लोग पुलिस स्टेशन आकर, FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन कौन शख्स है वो कुछ पता नहीं है, सिर्फ कॉल नंबर वगैरह है जो बता दिया गया पुलिस को।
तो इसके ऊपर कॉल नंबर वगैरह है? अभी इन लोग ने बोला है कि हम साइबर क्राइम में भेज के नंबर वगैरह का एड्रेस निकालेंगे और जो बंदे का है उसका पूरा डिटेल निकाल के उसको यहाँ पे लेके आएंगे और कोर्ट में हाजिर करेंगे। अभी लोग ने आश्वासन दिया है तो हम लोग भी इसके पीछे फॉलोअप में लगे रहेंगे और इसको पूरा एंड तक के लिए। पहले भी एक दो मामले ऐसे दर्ज हो चुके, एक दो क्या कई मामले दर्ज हो चुके हैं, पटाखे का मामला कोई ऐसा हुआ था, एक दो और मामले ऐसे हुए थे, लेकिन सब मेरे हिसाब से कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं होती। तो इसमें क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी? देखो फॉलोअप तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी इसके अंदर गैर जिम्मेदार रवैया रखती है, क्योंकि ये जो है हमने FIR कर दी तो उसका काम है पुलिस वालों का कि उसको कहीं से भी उठा के लेके आवे। ठीक है, अब हम भी हमारे हिसाब से जितना फॉलोअप करना चाहते हम करते, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है कि उन लोग ये अरेस्ट करते नहीं है इसको। अभी क्या बोले? ये पूरी पुलिस की जिम्मेदारी है, हम इसके ऊपर पूरा का पूरा। क्या क्या आपने दिया? जो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग ही थी क्या? जी वॉइस रिकॉर्डिंग ही थी, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग और नंबर पूरा दिया हुआ उसका, और हम इसके ऊपर फॉलोअप में भी लगे रहेंगे। अब ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि ये हमको कितना सपोर्ट करते हैं। इससे पहले भी एक दो मामले ऐसे हुए थे शहर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह SDPI पार्टी भी और शहर के दीगर लोग भी उस वक्त माहौल के हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से बात करना चाहूँगा कि किस कैसा माहौल हो गया है कि इंसान कुरियर के लिए जाता है, उसको बोलता है सामान पिकअप करना है, तो सामने वाला बंदा जो है उसे अपशब्द बोलता है और फिर जो है धर्म पे आ जाता है, धर्म के वजह से उसको जो है धर्म पे भी आके गाली गलौज करता है। एक क्या माहौल हो गया है? ये असल में माहौल बाकायदा क्रिएट किया जा रहा है, ये कुछ लोग है, बातिल ताकतें हैं, बातिल साजिश है जो ये एक माहौल बनाई जा रही है। किसी का जहन इतना गंदा होता नहीं है, हर कोई अच्छा होता है, लेकिन उसके जहन के अंदर ये गंदी बातें और आपस में ना इत्तेफाकी वाली बातें डाल के उनके जहन को गंदा किया जा रहा है। और बहुत कम जर्ब और कम दिमाग वाले लोग होते हैं जो उनकी भड़काई बातों के अंदर आ जाते और ये गलत कदम उठा लेते, और ये इतने गलत अल्फाज जो ऑडियो के अंदर बाकायदा हम पेश नहीं कर सकते, आपके सामने मना किया गया, नहीं तो उसके अल्फाज को आप सुनेंगे इस्लामुद्दीन में तो आपका भी खून खोलेगा। बहुत गंदे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, जो कि कोई भी, यहाँ तक कि वो लोग खुद ने सुने पुलिस ने, तो वो भी गए यार इतनी गंदी बातें तो बोलनी नहीं चाहिए थी उसको। तो ये पूरा माहौल एक बाकायदा एक ऊपर से साजिश करके और बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के साथ में बनाया जा रहा है कि लोगों के जहन के अंदर डाला जाए कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बल्कि ऐसा कोई है नहीं। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो कम सोच और कम जहन वाले, वो इस चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके उसके अंदर घुस जाते हैं। तो आपने सुना कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है।